एज एन एक्टर क्या कुछ फील होता है आपने कि हाँ कुछ मेहनत किया है, रंग मेहनत रंग लाई है, ऐसा कुछ? जो भी दिल से काम किया जाता है उससे आई थिंक अंजाम यही मिलता है कि लोगों का प्यार मिलता है आपसे आपको। और मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग करना बेहद पसंद है और मेरा पैशन है एक्टिंग करना, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो करूं बहुत दिल से करूं। और जब भी कुछ आप दिल से करते हैं वो लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुंचता है। सो अगर लोग कहते हैं कि दिव्या का काम हमें अच्छा लगता है या हमें हमारे दिल को छू गया, सो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है और एक टॉनिक होता है एक्टर्स के लिए कि और बेहतर परफॉर्म करते रहो। और एक अच्छी चीज़ ये जुड़ी कि हर फिल्म से लोग मेरे से अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कुछ अलग होगा। सो वो एक नया एक्सपेक्टेशन जो जुड़ा है मुझे, वो और ज़्यादा चैलेंज करता है और एक्साइट करता है। एंड और चेहरे जो है वो एक नया रूप लेकर आएगी सबके सामने। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का? शूटिंग तो डन हो गई है, अब फिल्म आने वाली है लोगों के बीच में। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि जैकी श्रॉफ है, गुलशन जी है, आप हैं, इशिता भट्ट है, सभी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? और जो जैसे कि आपने बताया कि फिल्म की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया भी हुई है। जी, हमें तो बहुत मज़ा आया। जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन यॉर्कशायर में हमने ऑक्सफोर्ड यॉर्कशायर में शूट किया था, जो कि लंदन से थोड़ा बाहर है। और जिसे आप कहते हैं कि पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती जो होती है, जैसे हम तस्वीरों की देखते हैं कि नदियाँ हैं, पेड़ हैं हरे हरे, और स्नो है और कैसल्स हैं, तो बिल्कुल वैसी जगह थी। और अच्छे सब मित्र लोग इकट्ठा थे, जाकी माने जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सो ही मेड श्योर कि सब जितनी भी लड़कियां हैं फिल्म में और जितने लोग हैं वो कंफर्टेबल हो। आर्या से अच्छी दोस्ती हुई और वो कभी बाहर ही नहीं निकलता था, तो मैं उसे निकाल के बाहर उसको मैं पूरा लंदन घुमाने लेकर गई थी। सो ही काइंड ऑफ वी बिकेम फ्रेंड्स देयर। एंड मनीषा ऑफ कोर्स हैज़ बीन अ वेरी डियर फ्रेंड। और कुछ बड़े हमारे जो हैं राइवलरी वाले सीन्स हैं, ड्रामेटिक सीन्स हैं फिल्म में, और उन्हें निभाते हुए बहुत मज़ा आया। और बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, सो इट वॉज़ ग्रेट टू लुक ब्यूटिफुल इन दैट कोल्ड। एंड या सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और मुझे खुशी हो रही है कि ये फिल्म अब रिलीज़ हो रही है और लोगों ने जो इसे मॉडर्न डे क्लासिक का नाम दिया है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि जिस प्यार से हमने शूट किया है उसी प्यार से लोग इसे एक्सेप्ट करें।